स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप इस कोविड-19 के दौर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और अपनी जो नियमित स्टडी है उसको बनाए रखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूं आपके लिए बायोलॉजी की ऑनलाइन वीडियोज। और अभी हम 12th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी क्लासेज जो है उनकी मैं वीडियोज आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाता रहूंगा। स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमारा सिलेबस है क्या, क्योंकि हमें कहीं भी जाना है तो उससे पहले हमारा टारगेट और उसका एक जो ब्रॉड एरिया है उसे हमें एक बार देख लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें एफर्ट करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सिलेबस है बायोलॉजी का, तो यहाँ पर उस कंप्लीट सिलेबस को 42 चैप्टर्स जो है उनको 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 10 यूनिट्स हैं, इनमें 5 यूनिट्स बॉटनी की हैं और 5 यूनिट्स जूलॉजी की हैं। अपन जानते हैं स्टूडेंट कि जो बायोलॉजी है उसमें 2 मेजर ब्रांचेज हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो यहाँ पर हाफ चैप्टर्स हैं लगभग, वो हमें बॉटनी की स्टडी करने और हाफ चैप्टर्स जूलॉजी की स्टडी करने हैं, जिनको ओवरऑल 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं 10 यूनिट्स को क्या क्या है, कौन कौन से इनके नेम्स है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले हम बॉटनी की यूनिट्स देख रहे हैं। तो ये जो 5 यूनिट्स है, 1 to 5 यूनिट्स, ये हमारी बॉटनी की रहेंगी और नेक्स्ट 6th to 10th जो यूनिट्स है वो हमारी जूलॉजी की रहेंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो बॉटनी के जो यूनिट्स है उनमें फर्स्ट यूनिट हमारी रहेगी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और ये जो यूनिट्स है ये 4 मार्क्स की रहेगी। सेकेंड यूनिट होगी इसमें प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो कि 9 मार्क्स की होगी। थर्ड यूनिट होगी इसमें प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड, जो कि 5 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट 4th यूनिट जो होगी स्टूडेंट्स इसमें बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 5 मार्क्स की रहेगी। और 5th यूनिट इसमें रहेगी इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये हमारी 5 मार्क्स की रहेगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं 6th to 10th ये जूलॉजी की रहेंगी, और इसमें जो 6th यूनिट है ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो 7 मार्क्स की रहेगी। यूनिट 7 जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकेंड है, ये 7 मार्क्स की रहेगी। यूनिट 8 ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी 5 मार्क्स। यूनिट 9 जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स 5 मार्क्स। यूनिट 10 ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ, ये 4 मार्क्स की रहेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, ये जो हमारे टोटल मार्क्स हैं ये 56 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहां पर जो टोटल मार्क्स हमारे होंगे वो 100 होंगे बायोलॉजी पेपर के आपके एग्जाम के। अब इसमें से थ्योरी के 56 मार्क्स होंगे, इनमें से प्रैक्टिकल के होंगे 30 मार्क्स, और यहां पर सेशनल मार्क्स आपके जो होंगे वो होंगे 40। तो यहां पर हमारा जो टोटल बनता है वो 100 मार्क्स का बनता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको थ्योरी की जो 56 मार्क्स हैं इनके लिए हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे और ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स इनको देखते रहिए और मेरे जो भी वीडियो हैं उनको लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और इसके साथ ही आप मेरे इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका सपोर्ट अगर इसी तरीके से मिलता रहा तो स्टूडेंट्स अपन निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और मैं आपको। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 12th का कंप्लीट सिलेबस जो है 10 यूनिट्स में डिवाइड है, और आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।